27 साल की उम्र तक अकबर के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि उनके कोई बेटा नहीं था। 1564 में जरूर उनके दो जुड़वां बेटे पैदा हुए थे, हसन और हुसैन, लेकिन वो सिर्फ एक महीने तक ही जीवित रह पाए थे। अकबर ने अपने प्रिय संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी कि अगर आप मुझे एक बेटा दे दे तो मैं आगरा से अजमेर पैदल चलकर आपकी दरगाह पर सिर झुकाऊंगा। आखिर ईश्वर ने उनकी सुन ली और उनके दरबारियों ने उन्हें खबर दी कि आगरा के पास ही एक पहाड़ी पर मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य और पीर सलीम चिश्ती रहते हैं, जो आपकी मुराद पूरी कर सकते हैं। जहांगीर पर एक किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर लिखने वाली पार्वती शर्मा बताती है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अकबर के पास नहीं थी, बस उनके औलाद नहीं थी। वो इस आस में सलीम चिश्ती के पास जाने लगे। एक दिन अकबर ने सीधे उनसे पूछ ही लिया, मेरे कितने बेटे पैदा होंगे? उन्होंने जवाब दिया, खुदा तुमको 3 बेटे देगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुए सलीम बाद में उनकी मृत्यु का कारण भी बने। बाबर के बाद आत्मकथा लिखने वाले पहले मुगल। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो महान मुगलों में सबसे कम चर्चित मुगल थे। वो शराबी थे और उनका ध्यान सैनिक अभियानों पर न रहकर कला और जीवन के सुखों और शानो शौक का आनंद उठाने पर अधिक रहा करता था। लेकिन क्या जहांगीर का ये मूल्यांकन सटीक है? दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाली अनुभूति मौर्य बताती है, बाबर के बाद जहांगीर पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में खुलासे से लिखा है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो महानता ढूंढते हैं, और चूंकि जहांगीर ने कोई बड़ा सैनिक अभियान नहीं किया तो वो अक्सर हमारी नजरों में पीछे छूट जाते हैं। मेरी नज़र में जहांगीर एक नायाब आदमी थे, क्योंकि उनकी क्या सोच थी वो हमें उनकी आत्मकथा में बहुत विस्तार से मिलती है। इसके साथ साथ वो अपने समय के प्रोडक्ट थे। वो कहती हैं, एक तरह से वो अपने जमाने की एक खिड़की थे जिसके जरिए हम देख सकते थे कि 17वीं शताब्दी का आदमी क्या सोच रहा था। जहांगीर अक्सर अक्ल और नकल यानी तार्किकता के आधार पर अपने आसपास की दुनिया को जांचते और परखते थे। दिन में 20 प्याले शराब। जहांगीर के बारे में मशहूर था कि वो औरतों और शराब के शौकीन थे। वो अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखते हैं कि एक समय वो दिन में शराब के 20 प्याले पीते थे, 14 दिन में और 6 रात में। बाद में उसे घटाकर वो एक दिन में 6 प्याले पर ले आए थे। पार्वती शर्मा बताती है, वो खुद ही कहते हैं कि जो जब 18 साल के थे तो वो एक बार वो शिकार पर गए हुए थे। उनको थकान महसूस हुई थी। किसी ने कहा कि आप थोड़ी शराब पीजिए, आपकी थकान चली जाएगी। उन्होंने पी और उन्हें वो बहुत पसंद आई, फिर तो वो रोज शराब पीने लगे। जहांगीर के दोनों भाइयों को भी शराब की लत लग गई और उनकी मौत शराब की वजह से ही हुई। वो कहती हैं, बाबर भी शराब पीते थे, अकबर भी कभी कभी शराब चख लिया करते थे, लेकिन शाहजहां ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बल्कि जहांगीर को इस बात का अफसोस रहता था कि उनका बेटा 24 साल का हो गया है और उसने आज तक शराब का एक घूंट तक नहीं लिया है, ये कैसे हो सकता है? जहांगीर ने अबुल फजल को मरवाया। अकबर और जहांगीर के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। उनमें और कटुता तब आ गई जब जहांगीर ने अकबर के बहुत करीबी और उनके जीवनीकार अबुल फजल को ओरछा के राजा बीर सिंह देव के हाथों उस समय कत्ल करवा दिया था जब वो दक्कन से आगरा की तरफ आ रहे थे। इस हत्या का सबसे जीवंत वर्णन असद बेग ने अपने वृतांत वाक्य असद बेग में किया है। बेग लिखते हैं, बीर सिंह के हर सिपाही ने कवच पहन रखे थे। उनकी तलवारें और भाले हवा में बिजली की तरह चमक रहे थे। तेज भागते घोड़े पर सवार एक राजपूत ने अबुल फजल पर बर्छे से इतनी तेजी से वार किया कि वो उनके शरीर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया।
अफजल नीचे गिरे और उनके शरीर से तेजी से खून निकलने लगा। उनका खुद का घोड़ा उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। ताज्जुब है कि घोड़े के भार से उनकी मौत नहीं हुई। अफजल अभी जीवित थे कि बीर सिंह वहां पहुंच गए। वो उनकी बगल में बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद कपड़ा निकाला और अफजल के जिस्म से निकल रहे खून को पोंछने लगे। किसी समय अफजल ने अपनी सारी ताकत जुटाते हुए बुंदेला प्रमुख की गद्दारी के लिए उसे कोसा। बीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में अबुल अफजल का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। अफजल नहीं चाहते थे जहांगीर को बादशाह बनवाना। ये तथ्य है कि अबुल अफजल की नज़र में जहांगीर कोई बहुत ऊंची जगह नहीं रखते थे, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी उनको मरवाने की? एक राजनीतिक खेल चल रहा था कि गद्दी पर कौन बैठेगा। अकबर की शक्तियां क्षीण हो रही थी, वो अब थक रहे थे और जहांगीर को अब लड़ाई करनी थी आने वाली पीढ़ी से। जब अकबर को अबुल अफजल के देहांत के बारे में खबर मिली तो वो मूर्छित हो गए। जहांगीर इसके बारे में बिना किसी ग्लानी के अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ये मैंने किया। और अंततः जहांगीर जब अबुल अफजल के बेटे से मिलते हैं तब भी उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं रहता। वो साफ लिखते हैं कि मेरा उद्देश्य था बादशाह बनना। अगर अबुल अफजल वापस दरबार में पहुँचते तो मैं बादशाह नहीं बन पाता। जहांगीर की क्रूरता। 17 अक्टूबर 1605 को अकबर के देहावसान के बाद जहांगीर मुगल तख्त पर आसीन हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मूडी बादशाह थे, कभी बहुत दरिया दिल तो कभी बहुत खूंखार। जहांगीर की क्रूरता का ब्यौरेवार वर्णन एलिसन बैंक्स फिडली ने अपनी किताब नूरजहां एम्प्रेस ऑफ मुगल इंडिया में किया है। वो लिखते हैं, जहांगीर ने अपने एक नौकर का अंगूठा सिर्फ इसलिए कटवा दिया था क्योंकि उसने नदी के किनारे लगे चंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। उसने नूरजहां की एक कनीज को एक गड्ढे में आधा गड़वा दिया था। उसका कसूर था एक किन्नर का चुम्बन लेते पकड़े जाना। एक आदमी को उसके पिता की हत्या करने की सजा देते हुए जहांगीर ने उसे एक हाथी की पिछली टांग से बंधवा कर कई मीलों तक खिंचवाया था। अपने खुद के बेटे खुसरो के बगावत करने पर जहांगीर ने उसे मौत की सजा न देकर उसकी आंखें फुड़वा दी थी। एक बार इस तरह की सजा देने के बाद शायद ही जहांगीर ने उसे बदला हो। हां, अपने बेटे खुसरो को अंधा किए जाने के बाद जहांगीर ने उसकी आंखों का इलाज जरूर करवाया था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आई। जहांगीर सिख गुरु अर्जन देव से इस बात पर नाराज हो गए थे कि उन्होंने बगावत कर रहे उनके बेटे खुसरो की सहायता की थी। मशहूर इतिहासकार मुनि लाल जहांगीर की जीवनी में लिखते हैं, गुस्से में लाल जहांगीर ने गुरु अर्जन देव से कहा, आप संत हैं और एक पवित्र शख्स हैं। आपके लिए अमीर और गरीब सब बराबर है, तब आपने मेरे दुश्मन खुसरो को क्यों पैसे दिए? गुरु ने कहा, मैंने उसको इसलिए पैसे दिए क्योंकि वो सफर पर जा रहा था, न कि इसलिए कि वो आपका विरोधी था। अगर मैं ऐसा न करता तो सब लोग मुझे धिक्कारते और कहते कि मैंने ऐसा आपके डर की वजह से किया है और मैं सारे संसार में गुरु नानक का शिष्य कहलाए जाने लायक नहीं रह जाता। वो लिखते हैं, गुरु नानक का जिक्र आते ही जहांगीर नाराज हो गए। उन्होंने गुरु अर्जन देव पर 2,00,000 रुपयों का जुर्माना किया और कहा कि वो गुरु ग्रंथ साहब से उन हिस्सों को हटा दें जिनसे हिंदुओं और मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। इस पर गुरु अर्जन देव ने जवाब दिया, मेरे पास जो कुछ भी पैसा है वो गरीबों के लिए है। अगर आप मुझसे मेरे पैसे मांगे तो वो सब मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन जुर्माने के रूप में मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि जुर्माना तो कपटी और सांसारिक लोगों पर लगाया जाता है, साधुओं और संतों पर नहीं। जहांगीर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो दरबार से उठकर चले गए। 2 दिन बाद अर्जन देव को गिरफ्तार कर एक काल कोठरी में ठूंस दिया गया। 3 दिन बाद उन्हें रावी के तट पर ले जाकर मार डाला गया। बादशाह रहते अपहरण और कैद। जहांगीर के शासन की एक और दिलचस्प घटना थी जब उनके एक सिपहसालार महाबत खान ने उनका अपहरण कर लिया था। उन्होंने न सिर्फ बादशाह को कैद किया बल्कि उन्हें फिजिकली उनकी गद्दी से उठाकर अपने पास रखा।
उन्होंने उनको हाथी पर बैठाया और उसकी मान मर्यादा के जो प्रतीक थे उन सबको बरकरार रखा। बचाने आई नूरजहां और फिर महाबत खां भाग जाते हैं। इस पूरे प्रकरण के दौरान एक्शन जहांगीर के पास नहीं है। जो एक्शन को निर्देशित कर रहे हैं वो जहांगीर नहीं है। इस दौरान सब लोग उनके साथ अदब से भी पेश आ रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि वो अपने सिंहासन पर नहीं है। इस बीच महाबत खां उनके सामने भी आ रहे हैं और जहांगीर उनसे बहुत प्यार से बात भी कर रहे हैं। महाबत खां किसी जगह पर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बादशाह हूँ, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बुरी संगत में हैं और मैं आपको उस बुरी संगत से बचा रहा हूँ। अंतड़ियों को दफनाया गया। बहरहाल नूरजहां की मदद से जहांगीर इस कैद से किसी तरह बाहर आते हैं, लेकिन तब तक उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो चुका था। 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी और भीमभर के बीच 58 साल की उम्र में जहांगीर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब नूरजहां उन्हें उस दिन जगाने के लिए गई तो जहांगीर ने अपनी आंखें नहीं खोली। नूरजहां की आंखों से आंसू निकलने लगे और मौलाना हिसामुद्दीन ने बादशाह की रूह की शांति के लिए दुआ मांगी। अनुभूति मौर्य बताती है, जो वर्णन मिलते हैं उससे लगता है कि उन्हें दमे की बीमारी थी। उत्तर भारत की जो धूल और गर्मी थी उसको वो सहन नहीं कर पाते थे। इससे बचने के लिए अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो अक्सर कश्मीर की तरफ गए। जब वो गए तो उन्होंने जोर दिया कि वो सब लोग जो उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे वो सब भी उनके साथ चले। नूरजहां तो उनके साथ गई ही, उनके दामाद शहरयार और आसिफ खां को भी उनके साथ जाना पड़ा। जब वो राजौरी के रास्ते वापस आने के लिए निकले तब तक वो खा पी भी नहीं पा रहे थे। वो कहती है, चंगेज घट्टी नाम की जगह थी जहां जहांगीर इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। जब उनकी मौत हुई तो उनके शरीर पर लेप लगाया गया, उनकी अंतड़ियों को उनके शरीर से निकाल कर वहीं दफना दिया गया। फिर जहांगीर के शरीर को बैठी हुई मुद्रा में पालकी में बैठा कर लाहौर लाया गया, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ।